नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत केसरी। ज्ञान ज्योति क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे, यानी कि उस टॉपिक का नाम होगा कि विकलांग बालकों की पहचान और उनकी समस्याओं का निदान हम किस प्रकार से करते हैं। इसको शिक्षा मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से समझना है, जो कि इससे संबंधित 1 से 2 प्रश्न परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि यह क्या है, यानी कि विकलांग बालकों की पहचान एवं उनकी समस्याओं का निदान। ये टॉपिक का नाम हो गया है। किस प्रकार से हम विकलांग बालकों की पहचान कर सकते हैं और उनकी समस्याओं का निदान किस प्रकार से किया जाता है, ये संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि विकलांग बालक यानी कि डिसेबल्ड चाइल्ड होते क्या है, किसको कहा जाता है, इनकी क्या क्या समस्याएं होती है, फिर उनका क्या क्या निदान किया जाता है, इस टॉपिक से संबंधित पढ़ना है। तो देखेंगे विकलांग बालक डिसेबल्ड चाइल्ड या फिर डिसएबल्ड चिल्ड्रेन। देखिएगा, विकलांग बालक कहते किसे हैं, तो विकलांग बालकों से तात्पर्य उनसे है जिनमें सामान्य बालकों की तुलना में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक दृष्टि से दोषयुक्त होता है। यानी कि जो बालक सामान्य रूप से अपना दैनिक जीवन यापन करते रहते हैं, उससे हटकर वैसे बालक जो शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से या फिर संवेगात्मक रूप से हटकर होते हैं, सामान्य बालकों की अपेक्षा कुछ उसमें असामान्य होते हैं, तो इस प्रकार के बालकों को हम विकलांग बालक कहते हैं। जिसके कारण होता क्या है कि वैसे बालकों में अधिगम करने में कठिनाइयाँ होती है तथा उनकी उपलब्धियाँ अपूर्ण हो जाती है। अध्ययन अध्यापन के दौरान वैसे बालकों को देखिएगा कि जब वो लोग अध्ययन करते हैं या फिर अधिगम करते हैं, अधिगम का मतलब होता है सीखना, तो उनको सीखने में काफ़ी समस्याएं होती है, काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वैसे बालकों को हम कह सकते हैं विकलांग बालक। इसी संदर्भ में क्रो नामक एक मनोवैज्ञानिक है और वह अपने शब्दों में बताए हैं कि विकलांग बालक कहते किसे हैं, ऐसे बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, ऐसे बालक को हम विकलांग बालक कहते हैं। यानी कि यह क्रो व क्रो के अनुसार कहा जा रहा है कि ऐसे बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है, यानी कि शरीर में किसी प्रकार का ऐसा दोष जिसके कारण वो होता क्या है, जिसके कारण उसे साधारण क्रियाओं में, साधारण क्रिया का मतलब खेलना या फिर पढ़ना जो सामान्य बालक करते हैं, तो उनको करने में समस्याएं होती है, तो उस प्रकार के क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है तथा उसे सीमित रखता है, ऐसे बालकों को हम विकलांग बालक कह सकते हैं, क्रो व क्रो के अनुसार कहा जाता है। तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनको अपने दैनिक जीवन में, अधिगम के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, विकलांग बालक जो होते हैं काफ़ी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है। देखेंगे इसमें हम लोग कि विकलांग बालक के अंतर्गत शारीरिक रूप से जो विकलांग बालक होते हैं, यानी कि फिजिकली डिसेबल्ड चाइल्ड जो होते हैं, उनका हम कैसे पहचान कर सकते हैं और क्या क्या समस्याएं उनको होती है। तो देखिए, ऐसे किसको बोलेंगे शारीरिक रूप से विकलांग बालक, ऐसे बालक जिनके शरीर का कोई अंग, नाम पर ही शारीरिक रूप से विकलांग यानी कि शरीर से संबंधित कहा जा रहा है कि ऐसे बालक जिनके शरीर का कोई अंग अथवा ज्ञानेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया जो होती है उनमें किसी प्रकार का यदि असामान्य होती है, यानी कि सामान्य रूप से है तो सही है, असामान्य होती है, उसके कारण क्या होता है, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने एवं समायोजन करने में विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वैसे बालकों को हम शारीरिक रूप से विकलांग बालक कहते हैं। जो शरीर से संबंधित किसी प्रकार का उनमें दोष होता है या ज्ञानेंद्रिया से संबंधित किसी प्रकार का दोष हो जाता है, वो असामान्य हो जाते हैं और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो इस प्रकार के बालक को हम शारीरिक रूप से विकलांग बालक कहते हैं। साथ ही साथ वैसे बालकों को जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, उनको समायोजन करने में भी समस्याएँ होती हैं। समायोजन के मतलब खुद को वातावरण के साथ समायोजित कर लेना, खुद को वातावरण के अनुसार ढाल लेना उस परिस्थिति में, तो ये साधारणतः जो शारीरिक रूप से बालक जो होते हैं उनको इस प्रकार के समायोजन करने में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा भी गया है कि समायोजन करने में विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कुछ उदाहरण के रूप में देखेंगे जो शारीरिक रूप से विकलांग बालक होते हैं, जैसे कि दृष्टिबाधित का मतलब कि नेत्र से संबंधित है, नेत्र की रोशनी का कम हो जाना यानी आंशिक दृष्टि दोष या पूर्ण दृष्टि दोष, तो दृष्टि बाधित, और उसके बाद श्रवण बाधित, श्रवण कान से संबंधित है, मुख या बोल नहीं पा रहे हैं, हकलाने वाले बालक, इस प्रकार के बालकों को हम शारीरिक रूप से विकलांग बालक कहते हैं, क्योंकि शरीर में किसी ना किसी प्रकार की कमी के कारण ये असामान्य हो जाते हैं।
ठीक है। अब इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कक्षा कक्ष के दौरान, शारीरिक रूप से जो विकलांग बालक होते हैं उनकी पहचान हम कैसे करेंगे अपने वर्ग में, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। अंग संचालन में दोष युक्त छात्र, यानी कि अध्ययन अध्यापन के दौरान कक्षा कक्ष में देखिएगा कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो उनका अंग संचालन में काफी समस्याएं होती है। अंग संचालन होता क्या है, सामान्यतः ऐसे छात्र के देखिएगा हाथ पैर गर्दन अंगुलिया कमर और भी किसी और भी कोई अंग में किसी प्रकार की कठिनाई होती है, तो उसके कारण क्या होता है कि उनको बैठने में खड़े होने में या फिर चलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार के बालक की पहचान हम कर सकते हैं शारीरिक रूप से। साथ ही साथ इस प्रकार के छात्र अधिगम तथा लिखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। कक्षा कक्ष में आप देखे भी होंगे जो शारीरिक रूप से जो विकलांग बालक होते हैं उनको कई प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अधिगम के क्षेत्र में हो या फिर दैनिक जीवन के क्षेत्र में हो। तो हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो विशेष रूप से हम अध्ययन में देखेंगे इस चीज को, ठीक है। तो उनको लिखने में या फिर खड़े होने में या फिर अपने समस्याओं को बोलने में समस्याएं होती है उनको, क्योंकि ये शारीरिक अंग संचालन में समस्याएं उनको होती है। हाथ पैर में किसी प्रकार का त्रुटिया है, अपूर्णता है, या फिर कह सकते हैं गर्दन में अंगुली में कमर में शरीर के किसी भी अंग में यदि किसी प्रकार की अपंगता है, किसी प्रकार का यदि कमी हो जाती है, तो उस रूप से शारीरिक रूप से विकलांग बालक होते हैं और उनको अधिगम में समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। दृष्टि दोष युक्त छात्र यानी आई साइट डिफेक्टिव स्टूडेंट्स, दृष्टि दोष युक्त छात्र का अर्थ ये हो जाता है कि आंखों से दिखाई न देना। वैसे छात्र जिनको आंखों से दिखाई नहीं दे पाते हैं तो उनको पढ़ने में या फिर अधिगम करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उनके लिए यानी कि जो सामान्य पाठ्य पुस्तक पढ़ने में अक्षम होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि पद्धति यानी ब्रेल लिपि में लिखी हुई पुस्तकों की व्यवस्था की जाती है, जिससे कि वो अपना अध्ययन अध्यापन करते हैं। साथ ही साथ कह सकते हैं इसमें कि आई दृष्टि यानी कि कह सकते हैं इसमें कि जो आई साइट डिफेक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं दो तरह से, एक होता है आंशिक होता है एक पूर्णता होता है। पूर्णता का मतलब पूरी तरह से दिखाई ना देना, आंशिक का मतलब होता है कुछ कुछ दिखाई पड़ना। तो कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जो आंशिक दृष्टि दोष युक्त होते हैं, तो वैसे छात्र को पुस्तकों को पढ़ते हैं कैसे, तो पुस्तक पढ़ते समय काफ़ी झुक जाते हैं यानी कि असामान्य रूप से ज्यादा वह झुके हुए प्रतीत होते हैं। साथ ही साथ अपनी आंखों को बार बार मलते रहते हैं, यानी कि जो आंशिक रूप से दृष्टि दोष युक्त होते हैं छात्र वो हमेशा देखिएगा पुस्तक पढ़ते समय असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। उनको व्यवहारों का अवलोकन करके हम पता लगा सकते हैं कि इस बालक में आंशिक दृष्टि दोष उत्पन्न है। अपनी आंखों को बार बार वह मलते भी रहते हैं, साथ ही साथ आंखों में भेंगेपन के कारण भी कुछ छात्र पढ़ने लिखने में कठिनाई अनुभव करते हैं। आंखों में भेंगेपन के कारण अर्थ ये है कि आंख का तिरछापन होना, आंख का टेढ़ापन होना, जिसके वजह से समस्याएं उत्पन्न हो जाती है देखने में, या फिर कह सकते हैं किसी पाठ्य पुस्तक को पढ़ना है तो पढ़ने में भी काफ़ी समस्याएँ उसको होती है। तो इस प्रकार का आपका दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। साथ ही साथ छात्रों के स्वास्थ्य समय समय पर परीक्षण किया जाना चाहिए, यानी ऐसे छात्र जो कि आँख से संबंधित उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है, नेत्र से संबंधित दोष उत्पन्न हो जाता है, तो उनके समय समय पर हमें स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना चाहिए, जिससे कि अगर हो सके संभव तो इसको ठीक भी किया जा सके। इसी संदर्भ में एक राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान, ये पूछा भी जाता है कि राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान कहाँ पर है, इसमें विशेष अनुसंधान किए जाते हैं। तो राष्ट्रीय दृष्टि बाधित अनुसंधान संस्थान कह सकते हैं देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड के देहरादून जो शहर है वहां पर यह स्थित राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान। अब देखेंगे हम लोग इसमें तो आपका हो गया दृष्टि दोष युक्त छात्र, अब यहाँ पे देखा जाए श्रवण दोष युक्त छात्र। श्रवण दोष युक्त छात्र यानी कि श्रवण का मतलब क्या होता है, कान से संबंधित है, इस चीज को देखेंगे। श्रवण दोष युक्त छात्र यानी कि हियरिंग डिसऑर्डर स्टूडेंट्स, इस प्रकार के छात्रों को किस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है और उसका निदान हम किस पूर्वक कर सकते हैं, तो देखिए इसका सामान्य अर्थ यह होता है कि सुनने की शक्ति में दोष होना, कान में किसी प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाने से श्रवण शक्ति का ह्रास हो जाता है, सही तरीके से हम सुन नहीं सकते हैं। जब सही तरीके से हम सुन नहीं सकते हैं, छात्र सही तरीके से सुन नहीं सकते हैं, तो उनका अधिगम काफी प्रभावित होता है, अधिगम करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वैसे छात्रों का व्यवहार का अवलोकन करके आसानी से पता लगाया जा सकता है किस छात्र में श्रवण दोष उत्पन्न है, किस प्रकार के वो व्यवहार
प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि देखिएगा, वैसे छात्र जो श्रवण दोष युक्त होते हैं उनकी कान की बनावट में दोष उत्पन्न होने के कारण भी आपका श्रवण दोष उत्पन्न हो जाता है। साथ ही साथ कह सकते हैं कान में हमेशा दर्द की शिकायत करते रहते हैं। वैसे छात्र जो श्रवण दोष युक्त होते हैं कान में हमेशा दर्द की शिकायत होना, या फिर कह सकते हैं इसमें और भी होता है कान अक्सर बहते रहना, यह भी एक शिकायत है। उसके बाद है कान हमेशा खजुलाते रहना, ये भी सब व्यवहार अवलोकित करके हम पता लगा लेते हैं। कक्षा कक्ष में छात्र यदि बैठे हुए इस प्रकार का यदि व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि इसमें किसी प्रकार का श्रवण दोष उत्पन्न है। ठीक है, तो कान को हमेशा खजुलाते रहना, अच्छी तरह से देखिएगा यहाँ पे अच्छी तरह से सुनने के लिए सिर को एक ओर से दूसरी ओर घुमाना। अक्सर देखने को आता है जो जब बालक को सही तरीके से सुनाई नहीं देता है तो अपने कान को ठीक है एक ओर से दूसरी ओर घुमाकर सुनने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार का जो व्यवहार प्रदर्शित करते हैं वह श्रवण दोष युक्त छात्र के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ इसमें अगर देखा जाए तो शिक्षक से प्रश्न या फिर कोई निर्देश को दोहराने के लिए निवेदन करना, जब कभी भी कोई शिक्षक कोई प्रश्न को बोलते हैं या कुछ निर्देश देते हैं तो वैसे छात्र जो श्रवण दोष उत्पन्न होता है सही तरीके से सुन नहीं पाते हैं तो वह पुनः निवेदन करते हैं कि सर या शिक्षक जो हैं उनसे निवेदन करते हैं कि आप पुनः इस चीज को बोलिए, तो निवेदन करना। ठीक है, साथ ही साथ कह सकते हैं कि श्रुति लेख में बहुत अधिक त्रुटियां करना। श्रुति लेख का मतलब होता है सुनकर लिखना, सही तरीके से यदि नहीं सुनेगा बालक तो अशुद्धियां तो होगी ही होगी। तो इसलिए श्रुति लेख में बहुत अधिक त्रुटि करते हैं। साथ ही साथ सुनते समय शिक्षक के चेहरे को बहुत अधिक ध्यान से देखना, ऐसे छात्रों के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से उनके व्यवहारों का अवलोकन करके आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो करना क्या है कि श्रवण दोष योग दोष के कारण वाणी दोष भी उत्पन्न हो सकता है, अतः ऐसे बालकों की पहचान करके उचित कदम उठाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से कक्षा कक्ष में यदि कोई छात्र इस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है तो हमें करना क्या है कि वैसे छात्र की पहचान कर उचित दिशा में कह सकते हैं उनकी कठिनाइयों का निवारण करना चाहिए, और ताकि उनका अधिगम जो है सही तरीके से हो सके। मानसिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान किस प्रकार से करते हैं। मानसिक रूप से जो विकलांग बालक होते हैं उनके व्यवहारों का अवलोकन करके आसानी से पता लगाया जा सकता है कि वह मानसिक रूप से किसी न किसी रूप में उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि वैसे छात्र जो मानसिक रूप से विकलांग होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि जो होती है बहुत कम होती है। बुद्धि से संबंधित IQ निकाला जाता है उसमें वह काफ़ी कम होता है, जिसके वजह से उनको पढ़ने में बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बुद्धि लब्धि का बहुत कम होना। उसके अलावा शैक्षिक उपलब्धियाँ निम्न स्तर की होती है। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी उपलब्धि वह हासिल करते हैं वह काफ़ी जो साधारण बालक जो होते हैं सामान्य बालक होते हैं उनकी अपेक्षा इनकी जो शैक्षिक उपलब्धियाँ होती है बहुत ही निम्न होती है, बहुत ही कम होती है। और साथ ही साथ पढ़े हुए पाठों को जल्दी वह भूल जाते हैं, जो भी वह पढ़ाया जाता है उनको वह तुरंत भूलने की उनको कह सकते हैं इस प्रकार की समस्याएं होती है, तुरंत वह भूल जाते हैं, सही तरीके से उसका वह स्मरण नहीं कर पाते हैं, ये उनकी पहचान हो जाती है। साथ ही साथ विषय पर कम समय तक ध्यान केंद्रित करता है और एकाग्रता की कमी भी पाई जाती है। जो मानसिक रूप से विकलांग बालक होते हैं वह किसी भी विषय पर अपने ध्यान को एकाग्र नहीं कर पाते हैं, यानी कि ध्यान में एकाग्रता की कमी पाई जाती है। तो ध्यान केंद्रित न कर पाना ये भी एक तरह से उसका लक्षण होता है, दोष होता है। साथ ही साथ अपनी अभिव्यक्ति क्षमता की कमी, अपने विचारों को प्रकट करने में असमर्थता होती है, अपने विचारों को सही तरीके से वो अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं तो अभिव्यक्ति की कमी होती है। साथ ही साथ आत्म अवलोकन की शक्ति का अभाव, आत्म अवलोकन का मतलब खुद के बारे में वो अपने अवलोकन नहीं कर पाते, खुद के बारे में स्व मूल्यांकन नहीं कर पाते, इस प्रकार का उनमें अभाव पाया जाता है। और असफल होने पर भयग्रस्त का होना, असफल होने पर भयग्रस्त यानी कि सफलता असफलता के बीच वह एक सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। जब भी वह असफल होते हैं तो हमेशा उनको भय सताते रहता है कि कहीं हम इस क्षेत्र में असफल ना हो जाए। तो इस प्रकार से मानसिक विकलांग है या फिर मानसिक रूप से जो कमजोर होते हैं असफलता का भय उन्हें सताते रहता है और आत्मविश्वास का अभाव उनके अंदर पाई जाती है। कोई भी कार्य करने के लिए हमें आत्मविश्वास का होना बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक होता है, लेकिन ऐसे बालक जो मानसिक रूप से विकलांग होते हैं मानसिक रूप से कमजोर होते हैं उनमें आत्मविश्वास
विश्वास की जो है आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। तो इस प्रकार से व्यवहारों को अवलोकन करके आसानी से पता लगाया जा सकता है कि मानसिक रूप से विकलांग बालक होते हैं। यहाँ पे कई प्रकार के हम विकलांगता देखें, अब हम देखेंगे यहाँ पे कि विकलांग बालकों की समस्याओं का निदान हम किस प्रकार से कर सकते हैं, जो काफी महत्वपूर्ण आवश्यक हो जाता है। तो इसमें देखेंगे कि जो विकलांग बालक यानी कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो विकलांग बालक होते हैं, तो उनको इस प्रकार की कमी के कारण उनके अंदर एक हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। वो अपने आप को एक तरह से अलग महसूस करते हैं, जिससे उनके हर प्रकार के उपलब्धियाँ नीचे जाने की ओर अग्रसर हो जाती है। तो इस प्रकार से उनके अंदर हीन भावना पनपने लगती है और उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। तो ऐसे बालकों के हम व्यवहार को अवलोकन करके उनका निदान करके उचित उपचार करना अति आवश्यक हो जाता है। जैसे कि देखिएगा, शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग बालकों के समायोजन एवं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षकों को सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। यानी कि शिक्षक को या माता पिता को ऐसे विकलांग बालकों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ताकि वह खुद को समायोजित कर सके। समायोजन का अर्थ होता है किसी परिवेश में खुद को ढाल लेना, उसके अनुसार अपने आप को समायोजित कर लेना। तो इस प्रकार के बालकों को जो शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, समायोजन करने में उनका माता पिता या फिर अभिभावकों को, ठीक है, वैसे बालकों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, उनके संवेगों को भी समझना चाहिए। साथ ही साथ कक्षा में प्रवेश एवं उनके बैठने के लिए समुचित व्यवस्था करना। कक्षा कक्ष में देखिएगा, जो शारीरिक रूप से विकलांग है या फिर मानसिक रूप से जो विकलांग बालक है, कक्षा प्रवेश में जाने या प्रवेश करने और बैठने के लिए समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि उनको समस्याओं का सामना न हो सके। इस प्रकार से व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही साथ दृष्टि बाधित छात्रों को कक्षा में उपयुक्त स्थान पर बैठाया जाना चाहिए, जिससे वह सही रूप से देख सके। मान लीजिए जो आंशिक रूप से दृष्टि दोष है, यदि ज़्यादा पीछे उसको बैठा दिया, पिछले बेंच पर बैठाया जाता है या बैठा हुआ है, तो उसको श्यामपट पर लिखे हुए जो भी अक्षर जो है उसको देखने में समस्याएं उत्पन्न होती है। तो करना क्या है, उसको समुचित उपयुक्त जगह पर, उपयुक्त स्थान पर बैठाया जाना चाहिए, जिससे कि वह सही तरीके से देख सके और आसानी से उनके समस्याओं का समाधान हो जाता है और अधिगम उसका आसानी से हो जाता है। तो इसलिए शिक्षक महोदय का यह कर्तव्य बनता है कि वैसे छात्रों की पहचान करके उनके लिए उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करके सही जगह पर बैठाया जाना चाहिए, ताकि वह सही तरीके से देख सके। मान लीजिए कक्षा कक्ष में अगर प्रकाश की कमी है, तो उचित प्रकाश की भी व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही साथ ऐसे छात्रों को समुचित अवसर देना चाहिए, जिससे उनके अंदर की हीन भावना समाप्त हो जाती है। यानी कि विकलांग बालक शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से जो विकलांग बालक होते हैं, अभी बताएं कि उनके अंदर एक हीन भावना हमेशा सताते रहती है, हीन भावना हमेशा पनपने रहती है, समाज से वो हटकर प्रतीत होते रहते हैं, इस प्रकार से अंदर भावना जागृत होती है। तो हमें कर्तव्य यह बनता है, हमारा कर्तव्य यह बनता है कि उनके हीन भावना को समाप्त करने के लिए उनको भी सामान्य बालकों के साथ ही उनको समान अवसर भी देना चाहिए, जिससे उनको भी यह लगे कि हम अलग नहीं है, सभी बच्चों के साथ समावेशी शिक्षा का संकल्प सूत्र का पालन करते हुए ऐसे बालकों को शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। सभी बालकों को एक साथ एक ही स्कूल में एक प्रकार से शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि वह समान अवसर उपलब्ध उसको मिल सके और वह भी अपने आप को सामान्य बालक समझ सके। साथ ही साथ अध्यापक व माता पिता को ध्यान देना चाहिए, ताकि ऐसे बालक को घर, स्कूल तथा समाज में उचित अवसर एवं समायोजन मिल सके और बालक है आत्मनिर्भर बन सके। माता पिता और अध्यापक ऐसे बालकों पर विशेष ध्यान उनको देना चाहिए, उनको हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, वैसे छात्रों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहिए, ताकि वह बालक अपने घर में, अपने स्कूल या समाज में अपने आप को समायोजित कर सके, दूसरे पर बोझ न बनकर वह आत्मनिर्भर बन सके और समाज में वह अच्छे तरह से अपना जीवन यापन कर सके। इस प्रकार से समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कक्षा कक्ष में ऐसे बालकों की पहचान करके उनका निदान करना, उपचार करना, ताकि उनका अधिगम जो है सामान्य रूप से हो सके और वह भी आत्मनिर्भर बन सके। आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, अगले वीडियो में हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित अन्य प्रकरण को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।